हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 सोशियोलॉजी की क्लास में लेसन सेकंड स्टडी करेंगे। लेसन सेकंड सोशियोलॉजी 11th क्लास। सबसे पहले हम लेसन का नेम स्टडी करने से पहले हम बुक नेम स्टडी करते हैं। बुक नेम है हमारा इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी बुक में से ही हम लेसन सेकंड स्टडी करेंगे, टर्म कंसेप्ट एंड देयर यूजेज इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का क्या यूज़ है इंडियन सोसाइटी में? सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी में ह्यूमन से रिलेटेड जो सोशल लाइफ होती है उसके बारे में स्टडी की जाती है। फिर है हमारा डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको सोशियोलॉजी में डिफाइन किया जाता है? सबसे पहले ह्यूमन इंट्रैक्ट। ह्यूमन एक पर्सन से दूसरे पर्सन से किस तरीके से इंट्रैक्ट होता है, ईच पर्सन टू अनदर पर्सन से किस तरीके से कम्युनिकेट होता है एंड कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिविटी और किस बेस पे सोशल कलेक्टिविटी का फॉर्मेशन करता है। सोशल कलेक्टिविटी का मतलब होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ किस तरीके से इंट्रैक्ट होता है। फिर है एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डजंट नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूट ए सोशल ग्रुप। लेकिन स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ग्रुप गैदर्ड हो जाए या फिर कोई भी पर्सन गैदर्ड हो जाए एक जगह तो वो सोशल ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर अब हमारा आ जाता है, हमारी सोसाइटी में टू टाइप्स के सोशल ग्रुप्स होते हैं। टू टाइप्स के सोशल ग्रुप इट मीन्स एक एग्रीगेट सोशल ग्रुप होता है और एक क्वश ग्रुप होता है। सबसे पहले हम एग्रीगेट सोशल ग्रुप होते क्या हैं। एग्रीगेट सोशल ग्रुप्स हैं, एग्रीगेट आर सिंपली कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। एग्रीगेट सोशल ग्रुप में होता है कि पीपल्स कलेक्ट होते हैं सिंपल वे में, उनका कोई मोटिव नहीं होता, उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और सेम टाइम पे कलेक्ट होते हैं, लेकिन अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करते हैं दूसरे पर्सन के साथ। सोसाइटी में जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजीज में टू ग्रुप्स का डिफाइन किया गया है। सबसे पहला ग्रुप है एग्रीगेट ग्रुप और दूसरा ग्रुप है क्वश ग्रुप। एग्रीगेट ग्रुप का मतलब होता है पर्सन एक जगह गैदर्ड होते हैं, इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं एक सेम टाइम में और एक सेम प्लेस में, लेकिन अपने व्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो है एग्रीगेट सोशल ग्रुप। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट सोशल ग्रुप, पैसेंजर वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन। जैसे पैसेंजर वेट करते हैं रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे और बस स्टॉप पे, लेकिन वो कोई, तुमने देखा है कोई पैसेंजर दूसरे पैसेंजर से बिना बात के ही बात कर रहा है, तो वो क्या है, सोशल एग्रीगेट सोशल ग्रुप है। इट मीन्स पैसेंजर गैदर तो होते हैं एक ही प्लेस पे, इट मीन्स रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट वगैरह बस स्टॉप किसी भी प्लेस पे, लेकिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट ग्रुप है हमारा क्वश ग्रुप। क्वश ग्रुप में है हमारा इज एन एग्रीगेट एंड अ कॉम्बिनेशन विच लैक स्ट्रक्चर और लेस अवेयरनेस। एक ऐसे सोशल ग्रुप होते हैं क्वश ग्रुप जिनमें लैकनेस होती है। किस चीज़ की लैकनेस होती है, अवेयरनेस की लैकनेस होती है। इट मीन्स जो किसी भी सिचुएशन से अवेयर नहीं होते हैं। क्वश ग्रुप में वो ग्रुप आते हैं, पीपल्स के वो ग्रुप आते हैं जो किसी भी सिचुएशन से अवेयर नहीं होते हैं, बस फॉर्मेशन होता है उनका, जैसे कि सोशल क्लास। सोशल क्लास इट मीन जो वेल्दीएस्ट पर्सन का ग्रुप होता है और जो पुअरेस्ट पर्सन का ग्रुप होता है, ये सब क्वश ग्रुप में आते हैं। एज इट मीन्स जैसे कि यूथ्स है, वो एक ग्रुप है उनका यूथ का, लेकिन वो किसी भी सिचुएशन से अवेयर नहीं होते हैं। जेंडर ग्रुप इट मीन्स मेल और फीमेल, इट मीन्स ऐसे ग्रुप के आते हैं क्वश ग्रुप में आते हैं। और एग्रीगेट ग्रुप में वो पर्सन्स आते हैं जो पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम में एक जगह कलेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी कोई वो एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ को शेयर नहीं करते हैं, इट मीन्स कम्युनिकेट नहीं करते हैं। फिर अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, ए सोशल ग्रुप रेफर्स टू ए कलेक्शन। फिर सोशल ग्रुप होता क्या है, सोशल ग्रुप रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग पर्सन हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म्स विद इन ए सोसाइटी। सोसाइटी में रह के जो पर्सन एक दूसरे के साथ अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, अपने कल्चर को शेयर करते हैं, अपने नॉर्म्स अपने ट्रेडिशन को शेयर करते हैं, वो सभी सोशल ग्रुप में उनका फॉर्मेशन होता है।
सोसाइटी में रहकर जो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू, अपने कल्चर वैल्यूज़ के थ्रू और नॉर्म्स के थ्रू, वो सभी सोशल ग्रुप्स में आते हैं। अब है हमारा टाइप ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले सोशल ग्रुप का टाइप है हमारा प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में हमारे आ जाते हैं छोटे छोटे ग्रुप, पीपल्स के छोटे छोटे ग्रुप। इट मीन्स जैसे जब हम फेस टू फेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। प्राइमरी सोशल ग्रुप के एग्जांपल हैं फैमिली, विलेज और फ्रेंड्स का ग्रुप। फिर हमारा आ जाता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप में हमने स्टडी किया था फैमिली, विलेज और फ्रेंड्स के ग्रुप प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। फिर है सोशल सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं जो ग्रुप में लार्ज नंबर होते हैं, मतलब जिनका साइज लार्ज होता है और मेंटेन फॉर्मल एंड अ इम्पर्सनल रिलेशनशिप, एग्जाम्पल स्कूल और हॉस्पिटल। इट मीन्स जो स्कूल और हॉस्पिटल में जो ग्रुप होता है, पेशेंट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, इसी तरीके से स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ये सारे किस ग्रुप में आते हैं? सेकेंडरी ग्रुप में। और प्राइमरी ग्रुप में आता है फैमिली, विलेज और फ्रेंड्स के ग्रुप, जो जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है टर्म। टर्म है हमारे, टर्म में हम फर्स्ट टर्म स्टडी करेंगे कम्युनिटी। फर्स्ट टर्म में हम स्टडी करेंगे सोशियोलॉजी के कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है ह्यूमन रिलेशन डैट आर हाईली पर्सनल एंड अ इंटीमेट। ह्यूमन रिलेशन होता है, इट मीन्स ह्यूमन बींग कम्युनिटी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और पूरी तरह से कनेक्ट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर। फिर हमारा आ जाता है ग्रुप। ग्रुप क्या होते हैं, इस कम्युनिटी क्या होती है और एक ग्रुप क्या होते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है ह्यूमन रिलेशन, इट मीन्स जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ पूरी तरह से कम्युनिकेट करता है और कनेक्ट रहता है। फिर हमारा आ जाता है ग्रुप। इन ग्रुप को भी टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा ग्रुप है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप में हमारा आ जाता है ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग मार्क्स इन ग्रुप। इट मीन्स जो एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हैं, जैसे चिल्ड्रंस बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल से, तो ये इन ग्रुप में आते हैं। इन ग्रुप के एग्जांपल हैं चिल्ड्रन, जो एक पर्सन दूसरे ग्रुप से जो बिलोंग करता है उसे हम इन ग्रुप कहते हैं। जैसे चिल्ड्रन बिलोंग करता है पर्टिकुलर किसी भी स्कूल से बिलोंग करता है, टीचर बिलोंग करता है पर्टिकुलर किसी स्कूल से, ये हमारे आ जाते हैं इन ग्रुप में। स्टूडेंट, हमने सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्लास 11 का लेसन 2 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था अपनी फर्स्ट क्लास में, 11th क्लास में सोशियोलॉजी से रिलेटेड।